देखिए, मैंने जिस दिन मैंने स्पीच दिया था बस स्टैंड पे, मैंने वहाँ भी कहा था कि त्राल का से और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ये प्राइमरी सेंटर भी नहीं है, तो ये 30 बेड हॉस्पिटल, लेकिन जब पॉपुलेशन देखते हैं जो इसका, इसको हम सेक्रेटरी लैंग्वेज में फीडिंग कैडर कहते हैं, आप देखें कितने लोग मतलब तादाद पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब ये हॉस्पिटल बना था उस वक्त शायद उन्होंने माइंड अप्लाई नहीं किया था कि आगे 30 साल में क्या स्पेस देखी। मैंने स्पेस देखी, यहाँ ना बैठने की जगह है, ना कॉरिडोर है, ना पार्किंग है, ना किसी ऑपरेशन थिएटर है, बहुत सी कमियां हैं हॉस्पिटल में। मैं तस्वीर आपको पता है, आपको पता भी चल चुका होगा कि मेरी पहली तरजीह हेल्थ सेक्टर है। मैं कोशिश करूँगा, मैंने इनसे कहा है कि मुझे एक कॉम्प्रहेंसिव प्रपोजल दे दें, क्या क्या कमी है, क्या क्या ज़रूरियात है यहाँ पर, तो उसका जायज़ा मैंने खुद भी लिया है। डॉक्टर साहब भी यहाँ, BMO साहब भी, उन्होंने बड़ी अच्छी कॉपरेशन मुझे दे दी है, मुझे सारी डिटेल में सब रिपोर्ट दे दी है। मैंने इनसे कहा आप तैयार कीजिए, मैं जब भी असम्बली जाएंगे, गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी मिलना पड़ेगा, उससे भी, और मैं देखूंगा कि कौन हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर बन रहा है, उनके साथ में मीटिंग ले लूँगा। तो त्राल की जो ये हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम है, अब कोशिश हम करेंगे कि नया ढांचा भी बन जाए, नए सिरे से यहाँ पर भी ये सब कुछ, और डायलिसिस सेंटर का भी मैं, मुझे जहन में आपने ख्याल है, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि जो डायलिसिस का जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। तो मैं इसके लिए R&B से भी बात करूँगा, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर में, उनसे भी देखूँगा। अब आगे कोशिश रहेगी हमारी कि यहाँ पे लोगों को जो सहूलियात हैं, मेडिकल सहूलियात, वो मिलती रहे। मेरी प्रयास ये देखिए, आप वो तो ज़माना गया, आप दोष नहीं देंगे किसी को, आप मुझे काम करना है। आप नई सरकार बन रही है, वो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप जो पहली बार हुआ अब यहाँ नहीं होना चाहिए, अब नहीं होगा बिल्कुल। मैं फर्म हूँ उस पर, मैं वो काम करूँगा। अगर मेरे हाथ में खुद होता मैं खुद कुदाल लेके जाऊंगा, लेकिन वो ये तो करना है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट के दरवाजे पे हर वक्त मैं जाता रहूंगा इन चीज़ों के लिए। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।